वेलकम बैक टू माय चैनल अस्नास ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अस्नास ब्लू हाउस ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी। आज जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को मेरी तरफ से। प्रभु आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और आप सब खूब अच्छा काम करे। आज मैं जिस विषय पे बात करने के लिए आई हूँ, आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, तो आज मैं आप लोगों से अपनी एक और स्टोरी शेयर करने के लिए आई हूँ कि किस तरह से सफर में मतलब मेरे साथ क्या हुआ और मुझे पहुंचना था कहाँ, मैं पहुंच गई कहाँ और क्या सावधानियां रखनी चाहिए आपको सफर में। जब आप कभी अकेले जाते हैं तो किस तरह की सावधानियां रखनी चाहिए। दरअसल इस ब्लॉग चैनल को मैं इसीलिए बनाई थी कि अब तक की मेरी लाइफ की जो जर्नी रही है और छोटी छोटी घटनाओं से जो मैं सीखी हूँ, मैं चाहती थी कि आप लोगों के बीच रखूँ और इससे कुछ लाभ आप लोगों को भी प्राप्त हो। क्योंकि जो लाइफ है, हमें कुछ छोटी छोटी घटनाएं हमारे जीवन में जो आती है जिससे हम सीखते हैं, तो मैं चाह रही थी कि मेरी जो अनुभव है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी भी दूँ और आप भी लाभ उठाएं और मुझे भी अच्छा लगे, मैं भी अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करके खुश हो लेती हूँ। शुरुआत करते हैं हम कि जब हम सफर में अकेले जाते हैं, खास करके जो महिलाएं हैं, लड़कियां बच्चियां जो घर से निकलती हैं अकेले पढ़ने के लिए जो जाती हैं, तो उन्हें किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए। क्योंकि मैं अक्सर अकेले जाती हूँ, कहीं पर भी जाना होता है, जैसे मैं अपने घर जा रही हूँ या मेरे बिजनेस के काम से मुझे बाहर जाना होता है या घर से वापस फिर मुझे दिल्ली आना होता है, तो मैं ज़्यादातर सफ़र अकेले ही तय करती हूँ। तो इसमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए महिलाओं को, तो इसके बारे में हम बात करेंगे और जो छोटी मोटी घटनाएं उस बीच में मेरे साथ घटी है वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। ये जो मैं स्टोरी आपको सुना रही हूँ ये मेरे साथ पिछले साल ही घटित हुआ कि जब मैं दिल्ली से अपने घर जा रही थी, बिहार जा रही थी, तो उस टाइम में जो मेरी ट्रेन, जो मेरा निर्धारित रेलवे स्टेशन था जहाँ रुकना था मुझे, मैं वहाँ नहीं रुक करके उससे दो स्टेशन आगे निकल गई। तो संजोग ऐसी थी कि आप इसे मेरा लकी बोलिए कि मेरी ट्रेन सुबह के 9:30 बजे पहुंचने वाली थी उस जगह पर जहां मैं रहती हूं, उस स्टेशन पे 9:30 बजे पहुंचने वाली थी। अगर वो ट्रेन रात को पहुंचने वाली होती और रात को मुझे वहां पे उतरना होता तो सोचिए कितनी बड़ी परेशानी मेरे साथ हो जाती और मैं क्या करती उस टाइम में। और जब मैं सफर के लिए जाती हूँ तो मैं अपने फोन में एक दो मूवी वगैरह डाउनलोड कर लेती हूँ कि नेटवर्क न भी रहे तो मैं उस मूवी को देखते हुए निकल जाऊंगी, तो मेरा कुछ टाइम पास होते जाएगा। तो हुआ ये कि सीमांचल एक्सप्रेस पकड़ना था मुझे दिल्ली से बिहार जाने के लिए, तो घर से निकलने के साथ मैं कोशिश करती हूँ कि अपने साथ खाना वगैरह घर का ही बना करके कुछ रख लूँ, क्योंकि मैं बाहर के खाना को अवॉइड ही करती हूँ, मुझे पसंद भी नहीं है। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्योंकि मैं महिला हूँ, मैं उन चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, मैं नहीं खाना चाहती हूँ। बार बार रेलवे में ये सब घटनाएं सुनने को तो मिलता ही है कि खाने में कुछ नशे का चीज़ यूज करके आपको बेहोश करके आपके सारे सामान लूट लेते हैं, जान माल की क्षति हो जाती है, तो मैं इन सब चीज़ों को अवॉइड करती हूँ क्योंकि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में ही होती है। तो मैं खाना वाना पैक करके यहाँ से लेके जाती हूँ और एक दो मेरा जो फेवरेट बुक होता है मैं बुक रख ली, या फिर फोन में जैसा बताई मैं कि कुछ मूवी वगैरह डाउनलोड कर लेती हूँ, कि फोन में तो ज़्यादातर नेटवर्क नहीं ही रहता है, तो नेटवर्क ना भी रहे तो डाउनलोड किया हुआ रहेगा तो बीच बीच में मैं अपना देखते हुए चली जाऊँगी, टाइम पास हो जाएगा। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं किसी से बात ना करूँ, अपने आप में ही मस्त रहूँ, क्योंकि किसी से बात करना भी कभी कभार जो होता है आपके लिए सही नहीं होता है। और ज़्यादातर मैं नीचे वाला सीट ही प्रिफेर करती हूँ कि मुझे चढ़ने उतरने में परेशानी हो, और जिनका शरीर हल्का है तो लड़कियों के लिए तो मैं सोचती हूँ कि ऊपर वाला सीट ही सेफ है, ऊपर ही आप आराम से सोते हुए चली जाएं। हुआ ये कि मेरी ट्रेन मेरे निर्धारित रेलवे स्टेशन से 2 स्टेशन पीछे थी और कटिहार रेलवे स्टेशन, जिसके बारे में आप लोग सुने होंगे, अगर बिहार के मैप को आप देखेंगे तो पता चलेगा कि कटिहार कहाँ है, तो वहाँ पर जब सीमांचल एक्सप्रेस रुकती है तो लगभग 40-45 मिनट जिस कारण से भी रुकती हो, या हो सकता है पटरी पर ट्रेन चेंज करती हो या किसी और ट्रेन का आने का उस टाइम वो समय होता होगा जिस कारण से ट्रेन को रुकना पड़ता है, तो लगभग 40-45 मिनट वो ट्रेन वहाँ रुकती है। मैं क्योंकि रात में कम ही सोती हूँ, मुझे नींद तो आता नहीं है ट्रेन में, तो उस टाइम क्या हुआ ना कि अचानक से मुझे नींद आ गई। ट्रेन जहाँ रुकी हुई थी लगभग 45 मिनट का टाइम था, तो मैं ऐसे ही फ़ोन पे कुछ मूवी वगैरह जो डाउनलोड की हुई थी वही देख रही थी, देखते देखते मुझे नींद आ गई और मैं सो गई।
जब सो गई तो वो ट्रेन 45 मिनट से उनका उसका टाइम हो चुका होगा और ट्रेन खुल गई, क्योंकि ट्रेन एक्सप्रेस थी तो 30-40 मिनट में तो मेरे निर्धारित रेलवे स्टेशन पे पहुंच जाती। ऐसा था क्योंकि रात को मैं सोई नहीं थी ट्रेन पे ठीक से, जिस कारण से मैं गहरी नींद में चली गई और मेरे आसपास के लोगों को ये पता भी नहीं था कि मैं कहाँ जा रही, क्योंकि मैं बात तो करती नहीं हूँ किसी से जो कोई मुझे जगा भी देते। तो हुआ ये कि मैं सोई ही रह गई और मुझे जब पूर्णिया उतरना था मैं उससे एक स्टेशन आगे निकल गई। जब पूर्णिया में जब आके ट्रेन रुकी तो भी मुझे पता नहीं चला, क्योंकि वहां मुश्किल से 5 से 10 मिनट शायद ट्रेन रुकती है। उसके बाद पूर्णिया से एक स्टेशन आगे ट्रेन चली गई, मैं पहुंच गई अररिया। अररिया जाने के बाद मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ, यहाँ तो ट्रेन आकर के रुक गई है, अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर मैं अररिया में अपना बैग वगैरह ली और जल्दी से उतरी, क्योंकि वहाँ भी टाइम ज़्यादा नहीं देती है, वो जोगबनी एक्सप्रेस रहती है तो जोगबनी जाने के लिए 5-5 मिनट का टाइम मेरे ख्याल से टाइम देती होगी ट्रेन रुकने के लिए। तो मैं फटाफट वहाँ से उतरी और तब तक ट्रेन का टाइम हो चुका था 10:30, एक घंटा में अररिया पहुंच गई ट्रेन। तो 10:30 में मैं उतरी और घर से मुझे फोन आने लगा कि क्या हुआ, अभी तक आई नहीं हो। तो मैं बताई कि मेरा ट्रेन मुझे उतरना था जहां मैं आगे निकल चुकी हूँ। मुश्किल से 5 मिनट या 10 मिनट हुआ होगा मेरा अररिया स्टेशन पे उतरे हुए, तो मैं सोची चलो अच्छा है साथ ही साथ मैं निकल जाऊंगी, लोकल ट्रेन आ गई। जैसे ही वो ट्रेन रुकी तो मैं अपने सामान को उठा करके मैं सोची कि मैं चढ़ जाऊंगी ट्रेन पे, एक घंटे का सफर है, खड़े खड़े भी मैं चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पर मैं ट्रेन पर चढ़ने के लिए रास्ते में तो जा ही रही थी, सामने में खड़ी थी, लेकिन उधर से भीड़ आके मुझे ढकेलते हुए बाहर खड़ा कर दिए। इतनी अधिक भीड़ थी कि मैं चढ़ ही नहीं पा रही थी, मैं आगे बढ़ती थी लोग मुझे पीछे कर देते थे। मैं बोली ये अब ये तो मेरे बस की बात नहीं है, मैं छोड़ ही देती हूँ। तो उसके बाद मैं अपना सामान वामान लेकर के जाकर के बैठ गई। बैठने के बाद पता चला कि 11:30 में फिर एक ट्रेन आने वाली है जो कि कटिहार होते हुए जाएगी। मैं 1.5 घंटा और वेट की कि चलो 11:30 में मैं देखूंगी। 11:30 वाले ट्रेन के तो उससे भी ज्यादा दुर्दशा थी, तो फिर मैं नहीं जा सकी। मुझे लगा अब मैं क्या करूँ, इतना टाइम हो चुका है और सुबह से मैं भूखी प्यासी वहां पर बैठी हुई थी। फिर मैं स्टेशन पे जाकर के पूछी कि अब नेक्स्ट ट्रेन कटिहार जाने के लिए कितने बजे आएगी, तो पता चला कि 1 बजे। उसके बाद तो सोचो मेरा तो सिर ही भारी हो गया कि मैं अब क्या करूँ, यहाँ पर तो 2-3 घंटे मुझे ऐसे ही बैठने पड़ेंगे। लेकिन फिर भी क्या करती, मजबूरी था क्योंकि लापरवाही तो मैं ही की थी। थोड़ा बहुत अगर मैं सतर्क रहती तो इस तरह की परेशानी मुझे नहीं झेलनी पड़ती। उसके बाद फिर 1 बजे ट्रेन आई तो मैं टिकट लेकर के 1 बजे वाली ट्रेन पे बैठ करके फिर वापस अपने घर आई। और जब ये स्टोरी मैं अपने घर वालों को सुनाई तो उन लोगों को भी थोड़ी सी परेशानी हुई, कष्ट हुआ। तो मैं यही कह रही थी कि जब भी सफर करे तो थोड़ा सतर्क रहे। अच्छी बात है कि आप कहाँ जाते हैं ट्रेन में किसी से बात नहीं कर रहे हैं, किसी को नहीं बता रहे हैं, लेकिन किसी न किसी को जानकारी होनी चाहिए कि आप किस स्टेशन पे उतरने वाले हैं। जैसे कि अगर आप बाय चांस सो ही जा रहे हैं या कोई आपके ध्यान में नहीं रह रहा है तो सामने वाला आपको बता दे। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी जिसे मैं आप लोगों के साथ शेयर की। बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, मुझे खुशी होती है। आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स देते हैं और मुझे प्रोत्साहित करते हैं मुझसे जुड़े रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जो मुझे आज पहली बार देख रहे हैं, तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल अर्शनाज ब्लू हाउस ब्लॉग। आप लोगों के सहयोग की मुझे बहुत ही जरूरत है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइज़।